हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉगी, जो पढ़ रहे थे एनालॉगी। एनालॉगी की ये सेकेंड क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली है और आज ये सेकेंड क्लास है। इसके बाद में एक और होगी जो आपकी अल्फाबेटिकल जो होती उसी प्रकार की एक एनालॉगी की एक और टाइप्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इसमें जैसे सेकेंड टाइप उसी प्रकार के, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली है, उसमें 47 क्वेश्चंस कर चुके हैं और एनालॉगी से 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि जो इसमें दिया गया है, कनपटी कान से संबंधित है। कनपटी जो होती है वो कान से संबंधित होती है, तो कंधा जो होता है हाथ से संबंधित होता है, तो मसूड़े जो होते वो किससे संबंधित होंगे। मसूड़े ओंठ से होते नहीं, जीवा से होते नहीं, नस से होते नहीं, दांत से संबंधित होते। किससे होते? दांत से संबंधित होते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अध्यापक छात्र को शिक्षा देता, तो धर्मगुरु जो होता वो किसको शिक्षा देता है? शिष्य को देता, अनुयायी को देता, पुरोहित को देता कि देवता को देता? तो धर्मगुरु के क्या होते? शिष्य होते, ना कि अनुयायी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सुदृढ़ जो होता वो चिरकालिक होता। क्या होता? सुदृढ़ जो होता वो चिरकालिक होता। वित्तीय कैसा होता है? तो कैलो होता, अनाड़ी होता, अविश्वसनीय होता, दिवालिया होता कि गांठ होता है? तो जो होता है वित्तीय जो होता वो दिवालिया होता है। क्या होता? दिवालिया होता है। सुदृढ़ चिरकालिक था, तो वित्तीय क्या होता? दिवालिया से संबंधित है। उसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, मधुमक्खियां जो होती वो भिनभिनाती हैं, तो उल्लू क्या करता है? गर्जना होता नहीं, सिस्कारना होता नहीं, बात करना होता नहीं, घुघवाना होता। क्या होता? उल्लू जो होता वो घुघवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कोयला से काला डायमंड मिलता है, कोयला को काला डायमंड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? द्रव सोना कहा जाता है, ठोस सोना कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, द्रव सोना कहा जाता है, श्वेत सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव सोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रस्तावना जो होती उपसंहार से संबंधित होती, तो ऊषा काल किससे? धुंधकला से होती है, शाम से होती है, झुटपुटा सांध प्रकाश से होती है, सुबह से होती है। तो ऊषा जो होती है, ऊषा काल जो होता, ऊषा काल किससे संबंधित होती है? तो यह सांध का जो प्रकाश होता है, जो सांध का छुटपुटा जो प्रकाश होता है, सांध प्रकाश को ऊषा काल कहते हैं, ठीक है। जो सूर्यास्त का समय होता उसे ऊषा काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आयत चित्र जो होता है, आयत चित्र वो स्तंभ चार्ट के लिए प्रयोग होता है, तो सुलेख किसके लिए होता है? टंकट टाइप राइटिंग के लिए होता है, काल हिस्ट्री के लिए, हस्त लेखन के लिए कि वीडियो कॉल के लिए? तो टंकर जो होती वो हस्त लेखन के लिए होती, किसके लिए होती? हस्त लेखन के लिए सुलेख होती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चारपाई जो होती है वो गद्दा जो होता है, चारपाई गद्दा से संबंधित है, तो फर्श किससे संबंधित होती है? फर्श पे क्या बिछाया जाता है? चारपाई पे गद्दा, तो फर्श पे टाइल, पर्दा, टाइल, चादर, कालीन। तो क्या बिछाया जाता है आपकी जो होती है? फर्श पर कालीन बिछाई जाती। क्या बिछाई जाती? कालीन बिछाई जाती, ना कि आपकी क्या बिछाई जाती, दरी नहीं, कालीन बिछाई जाती है। तो फर्श पर कालीन बिछाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, घोड़ा के खुर होते हैं जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार बताइए। मनुष्य के पैर होते हैं, कुत्ता काला होता है, पैसे रुपया होता है, पेन पेंसिल होता है, तो मनुष्य के उसी प्रकार क्या होते? पैर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, प्रोत्साहित करना मतलब रोक लगाना अपोजिट होता है, तो लाभ का सफलता नहीं, दुर्लभ
दुर्लभता का अधिशेष होता देखना का विश्वास करना, या हृदय का आत्मा होता है, हृदय का आत्मा होती तो दुर्लभता का होता अधिशेष होता अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो अग्नि से क्या निकलता है, अग्नि से क्या निकलता है, ज्वालामुखी से लावे निकलते हैं तो अग्नि से ताप निकलता है, प्रकाश निकलता, धुआं निकलता, भस्म निकलता है। तो अग्नि से क्या निकलता, अग्नि से उसी प्रकार भस्म निकलती, क्या निकलती, भस्म, जिसे राख कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से लावे निकलते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, कुत्ता से रेबीज होता है जबकि मच्छर से क्या होता, मलेरिया होता, क्या होता, मच्छर से मलेरिया होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अनाज जो है वो गोदाम में रखा जाता तो जल कहाँ रखा जाता, पेय होता, बांध में होता, नहर होता, नदी होता। तो जल जो होता वो आपका कहाँ होता, तो जल आपका बांध बांध के रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हैंडसम पुरुष होता है तो ब्यूटीफुल कौन होती, महिला होती, महिला ब्यूटीफुल होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चूहा जो है वो बिल्ली, चूहा को बिल्ली खाती तो कीड़ा को कौन खाता है, रेशम खाता, पक्षी खाता, या पृथ्वी खाता कि मछली पकड़ना। तो कीड़े को कौन खाते, पक्षी खाते, कौन खाते, पक्षी जो होते वो कीड़े को खाती है। उसके बाद में अगला है, सुनार स्वर्ण से संबंधित है तो उसी प्रकार अगला कौन, बढ़ई लकड़ी से संबंधित है कि मोची जूता से संबंधित है कि जौहरी आभूषण से संबंधित है कि नाई जेव सेविंग से संबंधित है। तो आप बताइए उसी प्रकार कौन, सुनार जो स्वर्ण से संबंधित, उसी प्रकार बढ़ई जो होता वो लकड़ी से संबंधित होता, किससे होता, लकड़ी से संबंधित, यहां पर बनाने से नहीं संबंधित है। सुनार जो होता वो स्वर्ण से संबंधित, उसी प्रकार बढ़ई जो होता वो लकड़ी से संबंधित, ना कि फर्नीचर से। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, औषध विक्रेता जो औषधालय से संबंधित है, उसी प्रकार अगला, रसोईया जो होता वो भोजनालय से संबंधित है, बढ़ई लकड़ी से होता, पुस्तकालय सूची पत्र होता, कि रोग चिकित्सक जो होता वो रोगी से संबंधित होता, कि चिकित्सक जो होता वो रोगी से संबंधित होता। तो औषधालय में, औषध विक्रेता औषधालय में होता, रसोईया कहाँ होता, भोजनालय में होता, रेस्टोरेंट में होता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दर्जी जो होता वो कपड़ा सिलता है तो किसान क्या करता है, खेत जोतता है, क्या करता है, खेत जोतता है, क्या करता है, जो दर्जी होता वो कपड़ा जीत क्या करता है, दर्जी जो होता वो कपड़ा से संबंधित है तो किसान जो हो जाएगा वो फसल से संबंधित हो जाएगा, जोतना से नहीं, क्या से हो जाएगा, फसल से हो जाएगा। जिस प्रकार दर्जी जो होता है वो कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार किसान जो हो जाएगा वो आपकी फसल से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेडियो जो होता वो श्रोता से संबंधित है तो चलचित्र किस से संबंधित होता, तो चलचित्र जो होता वो आपके दर्शक से संबंधित होता, रेडियो को सुनते हैं तो चलचित्र को क्या करते, देखते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्पर्श मतलब महसूस करना होता, स्पर्श का स्पर्श महसूस करना होता तो अभिवादन क्या होता है, शिष्टाचार होता है, क्या होता, मुस्कान नहीं होता, स्वीकार करना नहीं होता, सफलता होता है नहीं, तो अभिवादन जो होता वो स्वीकार करना होता, अभिवादन शिष्टाचार नहीं, सॉरी, अभिवादन क्या होता, शिष्टाचार हो, स्वीकार करना, जैसे आपने अभिवादन किसी ने किया तो आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, जैसे स्पर्श किया तो उसी प्रकार आप क्या करते हैं, महसूस कर लेते, क्या कर लेते, महसूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अच्छा बुरा से संबंधित है तो छत किससे संबंधित होता, छत जो हो जाएगा वो किससे संबंधित होता, तो छत जो हो जाएगी वो फर्श से संबंधित हो जाएगी, किससे संबंधित हो जाएगी, फर्श से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अनूठापन जो होता वो पुराना से संबंधित है तो खोज किससे संबंधित हो जाएगा, खोज जो हो जाएगा वो न्यूनता से संबंधित हो जाएगा, किससे, न्यूनता से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुप्तचर जो होता वो मुखबिर होता तो संवाददाता जो होता वो क्या होता, संवाददाता जो होता वो कौन होता, संवाददाता जो होता वो कौन होता, सूत्र होता, संपादकीय होता, समाचार होता कि निबंध होता है। तो आपका गुप्तचर जो होता वो मुखबिर होता है जबकि संवाददाता क्या होता है,
संवाददाता जो होता है वो आपका क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। तो संवाददाता क्या होता है? संवाददाता जो होता है वो क्या होता है? संवाददाता जो होता है वो क्या होता है? तो संवाददाता जो आपका होता है वो क्या होता है? वो सूत्रों पर कार्य करता है। क्या करता है? सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विशुद्ध जो होता है वो प्रमाणिक, विशुद्ध प्रमाणिक है। तो उसी प्रकार मृग तृष्णा क्या होती? मृग तृष्णा जो होती वो आपकी भ्रम होती है, बिंब होती है, गुप्त ग्रह होती है, परावर्तन। तो आपका भ्रम होता है, मृग तृष्णा जो होती आपका भ्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वनस्पति जो होती है, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित हो जाती? तो कीट विज्ञान कीड़े मकोड़ों से हो जाती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, तो कांग्रेस जो होती वो किससे संबंधित? पार्लियामेंट होती तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद होती, जबकि कांग्रेस जो होती वो किससे संबंधित है? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड। तो आपकी जो हो जाती कांग्रेस जो होती वो संयुक्त राज्य अमेरिका की होती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मनोविज्ञान मन से संबंधित है, तो पक्षी विज्ञान किससे? पक्षी से संबंधित होता। किससे होता? पक्षी से होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अत्यधिक जो होता है अतिमात्र होता है, तो कपटी जो होता है वो क्या होता है? मनोहर होता, कुत्सित होता कि अस्त व्यस्त होता, स्थायी होता। तो कपटी जो होता है वो क्या होता? कुत्सित होता। क्या होता? कुत्सित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुस्तक जो होती वो प्रकाशक से संबंधित है, तो फिल्म जो होती वो किससे संबंधित होती? तो फिल्म जो होती वो आपकी निर्देशक से संबंधित होती। किससे होती? निर्देशक से संबंधित होती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मेनू भोजन में होता है, तो कैटलॉग किसमें होती? पुस्तकों में होती, पुस्तकालय में, अखबार में, रैक में होती। तो कैटलॉग जो होती वो किससे संबंधित है? कैटलॉग जो होती वो किससे संबंधित है? कैटलॉग में क्या रखी जाती? पुस्तकें रखी जाती। मेनू रखने के लिए क्या होता? मेनू भोजन में होता, तो कैटलॉग जो होती पुस्तकें में होती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर, ढांचा जो होता वो मकान से संबंधित है, तो अष्टपंजर किससे होता? तो अष्टपंजर किसका होता? शरीर का होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, चिमनी से धुआं निकलता है, तो बंदूक से गोली निकलती है, घर से छत, टांग, छड़ी। तो बंदूक से क्या निकलती? उसी प्रकार बंदूक से क्या निकलती? गोली निकलती है। क्या निकलती? गोली निकलती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वास्तुकार जो होता वो भवन से संबंधित है, तो मूर्त इकार जो होता वो किससे? संग्रहालय से होता, पासार से, छेनी से, प्रतिमा से। तो जो आपका होता है वास्तुकार जो होता वो प्रतिमा से, मूर्तिकार जो होता वो आपकी प्रतिमा से संबंधित होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मकान जो होता वो किराए से संबंधित है, तो पूंजी किससे संबंधित होती? ब्याज से, निवेश से, देश से कि धन से संबंधित होती? तो पूंजी जो होती वो आपकी ब्याज से संबंधित होती। किससे होती? ब्याज से संबंधित होती। जिस प्रकार मकान का किराया दिया जाता है उसी प्रकार पूंजी का क्या? ब्याज दिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, रक्तहीनता रक्त से संबंधित है, तो अराजकता किससे संबंधित होती? गड़बड़ी से, राजतंत्र से, सरकार से, अव्यवस्था से। तो आपकी जो होती है, जो अराजकता जो होती है वो आपकी किससे संबंधित होती? अराजकता जो होती वो आपकी सरकार से संबंधित होती। किससे होती? सरकार से संबंधित होती है। जैसे रक्तहीनता जो होती है वो रक्त से संबंधित, अराजकता जो होती वो सरकार से संबंधित होती है। उसके बाद में अगला है, संपादक जो होता वो समाचार पत्र से संबंधित है, तो उसी प्रकार अगला बताइए, मेज जो होती वो बढ़ई से संबंधित होती कि पत्रिका पत्रकार से संबंधित होती कि सरकार जो होती वो राष्ट्र से संबंधित है, कलम जो होती वो किताब से। तो उसी प्रकार सरकार जो होती वो राष्ट्र से संबंधित होती। किससे होती? राष्ट्र से संबंधित होती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर जो होता है वो स्टेथोस्कोप से संबंधित होता है, तो मूर्तिकार किससे संबंधित होता है? निहाई से होता है, गंडासा से होता, छेनी से होता, खुरपा से होता। तो उसी प्रकार मूर्तिकार जो होता वो आपके छेनी से संबंधित होता। किससे होता? छेनी से संबंधित होता है।
अगला प्रश्न है, कहाँ कहाँ बत्तख करती है, तो हिनहिनाना किसका, हिनहिनाहट जो होती वो किसका, कौन करता, लोमड़ी करता, घोड़ा करता, मेढक करता, बिल्ली करता, तो हिनहिनाना जो होता वो आपका घोड़ा करता, कौन करता, घोड़ा करता है, गधा भी होता वो भी हिनहिनाता है, स्वप्न जो होती वो वास्तविकता से संबंधित है, तो झूठ जो होता है वो उसी प्रकार किससे संबंधित होता, सत्य से संबंधित होता, किससे होगा, सत्य से होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फिलाटेलिस्ट जो होता है वो टिकट से संबंधित होता है, तो नुमिस्मेटिक्स जो होता है वो किससे संबंधित होता है, सिक्के से, नक्शे से, जवाहरात से या नमूने से संबंधित, तो नुमिस्मेटिक्स जो होता है वो आपके सिक्के से संबंधित होता है, क्या होता है, सिक्के से संबंधित होता है। नुमिस्मेटिस्ट क्या होता है, जो आपके सिक्कों को इकट्ठा करता है, जबकि फिलाटेलिस्ट क्या होता है, फिलाटेलिस्ट जो होता है वो टिकट इकट्ठे करने से संबंधित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, शल्य चिकित्सक जो होता वो चिमटी से संबंधित होता, तो डॉक्टर नुस्खा से होता, शरणार्थी शरण स्थान से होता, लोहार हथौड़ा से होता, कि ड्राइवर जो होता ब्रेल आयल से संबंधित होता, ब्रेक आयल से संबंधित होता, तो उसी प्रकार जो होता लोहार जो होता वो हथौड़ा से संबंधित होता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैंची जो होती वो कपड़ा से संबंधित है, तो मार जो होती वो किससे होती है, पत्थर ग्राइंडर से होती, कुल्हाड़ी लकड़ी से होती, छुरी पत्थर से होती, कि बंदूक शिकार से होती, कि बंदूक शिकार से होती है, तो किससे होती है, तो उसी प्रकार कुल्हाड़ी जो होती वो लकड़ी से संबंधित, लकड़ी काटने से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर क्या ची क्या होती, कपड़ा काटने से, तो कुल्हाड़ी जो होती वो लकड़ी काटने से। अगला प्रश्न पूछा गया है, दभिख्यान जो होता है, दुशाखन जो होता है वो विभाजन से संबंधित है, तो विरक्ति आपकी किससे संबंधित होती, विरक्ति जो होती उसी प्रकार अप्रैल, ईर्ष्या, अरुचि, जून, तो अप्रैल जो अरुचि से, विरक्ति जो होती वो अरुचि से संबंधित होती, जिसमें कोई भी रुचि ना हो, दुशाखन मतलब विभाजन, तो विरक्ति मतलब अरुचि। पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, तो पुरातत्व विज्ञान किससे संबंधित है, पुरातत्व विज्ञान अश्मोपकरण से, द्वीप समूह से, मध्यस्थ से, जल से, तो आप जानते हैं कि आपका पुरातत्व विज्ञान जो होता है, पुरातत्व जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वो आपकी अश्मोपकरण से या आर्टिफैक्ट से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नम्य का अनम्य दिया हुआ अपोजिट, तो आत्मविश्वास का क्या होता है, आत्मविश्वास का क्या होता है, तो आप जानते हैं आत्मविश्वास का अपोजिट क्या होता, आत्मसंशय होता है, आत्मसंशय होता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकाश अंधकार से संबंधित है, तो ज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा, ज्ञान जो हो जाएगा वो अज्ञानता से, बुद्धिमानता से, बुद्धिमत्ता से, चमत्कार, चमकदार से, आदर्श से, तो आपका जो हो जाएगा वो ज्ञान जो हो जाएगा वो अज्ञानता से संबंधित है, किससे, अज्ञानता से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उल्लास जो होता वो विश्वास से संबंधित है, तो उसी प्रकार अगला किससे, बधाइयां सु अवसर से, परिश्रम सफल से, माप तुला से, अपमान जो होता वो प्रतिष्ठा से संबंधित है, अपमान जो होता वो प्रतिष्ठा से, उल्लास क्या होता है, विषाद उसी प्रकार अपोजिट, तो अपमान क्या क्या होता है, प्रतिष्ठा होती है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, भीलू जो होता जिसे डरपोक, तो वो गधा से संबंधित है, जबकि धूर्त चालाक कौन होता है, चींटी होता, लोमड़ी क्या होता, लोमड़ी जो होता वो आपका चालाक होता, क्या होता, चालाक होता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मरीचिका जो होता वो रेगिस्तान में बनती है, जबकि इंद्रधनुष कहाँ आपका आकाश में बनता है, कहाँ बनता, आकाश में बनता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जुलूस जो होता है शोभा यात्रा मार्ग पर निकलती है, तो पृथ्वी पे क्या होता, परिक्रमा पथ होता, अंतरिक्ष होता, परिक्रमा पथ होता कि अंतरिक्ष होता, तो पृथ्वी पे क्या होता, परिक्रमा पथ होता, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उर्वरक जो खाद होती वो फसल के लिए उपयोग होती, तो उसी प्रकार शिक्षक शिक्षा के लिए होता, क्लोरीन जल के लिए होता, पुष्टिकारक टॉनिक जो होती वो शरीर के लिए, कि कीटनाशक जो होती वो चूहे के लिए, तो पुष्टिकारक जो टॉनिक होती वो शरीर के लिए उसी प्रकार होती, जिस प्रकार उर्वरक जो होती वो फसल के लिए होती है, तो
पौष्टिक कारक जो टॉनिक होती है वो शरीर के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मुख जो होता है वो अभिव्यक्ति के लिए होता है, जबकि संगीत किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए होता है, कर्ण के लिए होता है, धुन के लिए कि यंत्र के लिए होता? संगीत तो जो होता है वो आपकी धुन के लिए होता है, किसके धुन के लिए? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टेलीविजन जो होता है वो टेलीकास्ट से संबंधित है, तो रेडियो किससे होता? प्रसारण से, समाचार से, संगीत से, नाटक से होता? तो रेडियो जो आपका संबंधित होता है उसी प्रकार प्रसारण से होता, किससे होता? प्रसारण से होता। अगला प्रश्न है, वायु जो होती वो श्वास से संबंधित है, तो रक्त जो होती वो किससे? परिसंचरण से, लाल से, गाढ़ा से, बहना से? तो रक्त जो होता वो आपका किससे? परिसंचरण से संबंधित होता। जिस प्रकार वायु जो होती वो श्वास के लिए होती, तो रक्त क्या होता? परिसंचरण होता। अगला प्रश्न पूछा गया, पैर जो होते वो मनुष्य में होते तो खुर किस में होते? कुत्ता में, गाय में, बिल्ली में, खरगोश में? तो आपके खुर जो होते वो आपके गाय में होते, किस में होते? गाय में होता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला है, बूंदे जो होती है वो महासागर में होती, तो नक्षत्र जो कहाँ होते? आकाश में, नमक में, टिपटिवाना में, दीप्ति में होती? तो नक्षत्र जो होते वो आपके कहाँ होते? आकाश में होते। कहाँ होते? आकाश में होते। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, घसीट मारना मतलब लिखना होता है, तो हकलाना किससे संबंधित होता? बोलना से होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कुंची जो होती वो पैंट से संबंधित होती, तो बेलचा जो होता वो किससे? चलना से, नाचना से, उठाना से, खेलना से होता? तो बेलचा जो होता वो आपका उठाना से संबंधित होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, खुरदुरा जो होता वो चिकना से संबंधित है, तो व्यवस्थित जो होता वो बेढंगा से होता, निश्चिंत से होता, सतर्क से होता, चौकस से होता? तो व्यवस्थित जो होता वो आपका किससे संबंधित होता? व्यवस्थित जो हो जाएगा वो अपोजिट बेढंगा से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? बेढंगा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तापमापी जो होता है जैसे तापक्रम नापा जाता, तो वायु दाब मापी से क्या? दाब नापा जाता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निर्माण करना का अपोजिट नष्ट करना होता, तो संघनित करना का क्या होता? निवर्तन, प्रसारण, प्रसार करना, क्रमिक, आरंभिक होता है? तो क्या होता है? तो उसी प्रकार आपका संघनित करना का होता प्रसार करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मांस जो होता वो शाकाहारी से संबंधित है, तो मद्य क्या होता है? पागल से, मदद त्यागी से होता है, या अंतर्मुखी से, या मादक से होता है? तो उसी प्रकार मद्य जो होता है, मद्य जो होता है वो मद त्यागी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसे सोमवार जो होता है, सोमवार के बाद में मंगलवार आता है, तो चंद्रमा के बाद चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जो होता बुध होता, मंगल होता, बुध होता, मंगल होता। देखो सोमवार जो होता वो चंद्रमा क्या होता, सोमवार जो होता चंद्रमा से संबंधित होता, तो मंगलवार किससे? मंगल से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अश्वशाला जो होती है, अश्वशाला में घोड़े रहते हैं, तो सुअर बाड़ा में कौन रहेंगे? सुअर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, भाग जो होता वो संपूर्ण से संबंधित है, तो चाप किसमें होता? वृत्त में होता, किसमें होता? वृत्त से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अप्रवास का आगमन से संबंधित है, तो उत्प्रवास का किससे? उत्प्रवासी से होता, प्रस्थान से, अन्य देशी होता, देशवासी होता? तो प्रस्थान जो होता है, उत्प्रवास जो होता वो प्रस्थान से संबंधित होता, किससे होता? प्रस्थान से होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक स्वरता जो होती अनेक रूपता से संबंधित है, तो अपरिष्कृत जो होता वो किससे संबंधित होता? तो आपका जो अपरिष्कृत होता है वो किससे संबंधित होता? वो आपके परिष्करण से संबंधित होता, किससे होता? परिष्करण से संबंधित होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चोट लगने से तो दर्द होता, तो उसी प्रकार श्रेणी योग्यता से, गड़बड़ाहट तड़ित से, घूर्णन मंथन से होता कि विषय वस्तु जो होता वो आपके श्रम से संबंधित होता। तो उसी प्रकार गड़बड़ाहट जो होती वो तड़ित से संबंधित होती। किससे होती? तड़ित से संबंधित होती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुस्तक जो होता वो समालोचक से संबंधित होता, तो भवन जो हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? मूल निर्धारक से, भार मापक से, ठेकेदार से, अभियंता से। तो भवन जो हो जाएगा वो आपका अभियंता से संबंधित, किससे? मूल निर्धारक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भवन जो हो जाएगा मूल निर्धारक से हो जाएगा। जैसे इससे कहा पुस्तक जो हो जाएगी वो समालोचक से हो जाएगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता तो अभियंता से होता। तो आपका भवन जो हो जाएगा वो मूल निर्धारक से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सिनेमा दर्शक से लिए होता है जबकि चर्च किसके लिए होता है? श्रद्धालु के लिए, ध्यान के लिए, अकेलापन के लिए, प्रार्थना के लिए होता है। तो आपका चर्च जो होता है वो श्रद्धालु के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबूतर शांति के लिए होता है, तो ताज सिर के लिए होता है, सफेद झंडा होता है, लारेंस जो होता है विजय के लिए, युद्ध स्वतंत्रता के लिए होता है। तो उसी प्रकार जो होता है सफेद झंडा जो होता है वो आपके समर्पण के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा? समर्पण के लिए, समर्पण के लिए सफेद झंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गाजर जो होती जड़ होती, तो सेब क्या होता है? पौधा होता, फल होता, पुष्प होता, बीज होता। तो उसी प्रकार जो आपका सेब होता एक फल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, संगीत जो होती वो स्वर लिपि होती, तो कविता क्या होती? पद्य होती, शब्द होती, वाक्य होती, पंक्तियां होती। तो उसी प्रकार जो कविता होती वो आपकी पद्य होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मछली जो होता वो पक्षी होती, मछली क्या होती? मछली जो होती वो पक्षी होती है। जिस प्रकार, तो पनडुब्बी क्या होती? एक वायुयान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदुत्व, ईसाइयत, इस्लाम ये धर्म से संबंधित हैं, तो अगला बताइए, नाक कान नाक नजर ये दृष्टि से होती कि धन ऋण गुणा भाग होती कि शीतकाल, वसंत काल, ये ग्रीष्म काल, ये क्या होती? ऋतुएं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आदमी जो होता वो आत्मकथा से संबंधित होता, राष्ट्र जो हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? लोग से, जनसंख्या से, भूगोल से, इतिहास से। तो आपका जो हो जाएगा राष्ट्र जो हो जाएगा वो इतिहास से संबंधित हो जाएगा। तो राष्ट्र का अपना एक इतिहास होता तो वो इतिहास से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन मतलब विजय से संबंधित है, तो कुंठा जो होता है वो किससे संबंधित होगा? कुंठा जो हो जाए वो गतिरोध से, क्रोध से, विफलता से, चिंता से। तो उसी प्रकार कुंठा जो होती वो विफलता से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कुत्ता जो होता है वो स्वानीय होता है जबकि घोड़ा जो होता है वो कैसा? घास होता, दौड़ होता, खुर होता, परिवहन होता। तो आपका घोड़ा जो होता है घोड़ा में क्या होता? खुर होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बेगची जो होता है वो मेढक होता है, तो शावक कौन होता है? शाही, लंबे कांटों वाला एक पशु होता है, सिंह होता, बिल्ली होता, कुत्ता होता। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो उसी प्रकार शावक जो होता है वो सिंह का बच्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, नींद जो होती वो आराम से संबंधित है, तो खेल जो हो जाएगा वो किससे? आनंद से, अधिगम से, चोट से, विजेता से होता है। तो उसी प्रकार खेल जो होता है वो आपके किससे संबंधित होता है? खेल में क्या आता? आनंद आता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, विपर्याय विलोम जो होता वो समानार्थ से संबंधित है, तो उसी प्रकार अगला बताओ किससे? समानार्थ जो होता वो संश्लेषण से, सरल करना से, किससे संबंधित होता है? तो आपका जो होता है किससे संबंधित होता है? तो उसी प्रकार विश्लेषण, यहां पर क्या होगा? विश्लेषण। अगला विश्लेषण जो हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा?
विश्लेषण जो हो जाएगा वो संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुचालक जो तांबा होता तो कुचालक आपका लोहा होता, एल्यूमिनियम होता, लकड़ी होता, कोयला होता। तो आपका जो कुचालक होता वो आपका लकड़ी होता है। क्या होता, विद्युत का सुचालक तांबा होता जबकि कुचालक क्या होती, लकड़ी होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नेकलेस जो होता वो श्रृंगार से संबंधित होता। तो अगला बताइए, मेडल जो होता वो सम्मान से, या कांस्य जो होता पदक से, दुपट्टा जो ड्रेस से, खिड़की जो होता वो घर से होता है। तो उसी प्रकार मेडल जो होता वो सम्मान के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बृहत जो होता वो विशाल से संबंधित है। तो बिल्ली बाघ होती है, गर्माहट तुषार होता है, हाँ कि आपका गोल मटोल मोटा होता है, कि शाही दवात देना होता है, शाही जो होता है वो दवात देना होता है। तो कौन सा संबंधित है, तो गोल मटोल उसी प्रकार क्या होता, मोटा होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टोकना जो होता है बीच में बोलना से संबंधित है, बोलना से संबंधित है, उसी प्रकार चिल्लाना चीखना से, घुसपैठ प्रवेश से, हस्तक्षेप टकराव से, टेलीफोन टेलीग्राफ से संबंधित होता है। टेलीफोन जो होता उसी प्रकार घुसपैठ जो होती वो प्रवेश से संबंधित होती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निर्धनता जो होता वो बेरोजगारी से संबंधित होती। तो अरक्तता जो होती जिसे रक्त छीणता कहते वो किससे होती, कुपोषण से होती, निरक्षरता से होती, सूखा से होती, मृत्यु से होती। तो आपकी जो होती अरक्तता जो होती वो आपकी कुपोषण से हो जाती, किससे हो जाती, कुपोषण से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अवज्ञा जो होती आज्ञा पालन होता तो विश्राम किसके लिए होता, विश्राम किससे संबंधित, आलसी से, निरर्थक से, परिश्रम से, कार्य से। तो उसी प्रकार विश्राम जो होता वो आपका परिश्रम से संबंधित होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो होता वो जलाना से संबंधित है तो जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता वो बुझाना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज मतलब बीता कल तो जनवरी का मतलब किससे हो जाएगा। तो जैसे आज है और आज का बीता हुआ कल मतलब कल, और आने वाला हुआ कल तो कल, ठीक। तो जनवरी का किससे हो जाएगा, जनवरी का संबंध किससे हो जाएगा, तो जनवरी जो हो जाएगी वो आपके दिसंबर से, उसी प्रकार पहले कौन पड़े, दिसंबर। अगला प्रश्न है, आदमी जो हो जाएगा वो घर से संबंधित है तो बिल्ली चूहा से नहीं, गेंद जो हो जाएगी पंछी से नहीं, छड़ी से नहीं, पेड़ पौधे से, पिंजरा जो हो जाएगा वो चूहा से हो जाएगा, पिंजरा जो हो जाएगा वो चूहा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी प्रकार आपका हिंसक जो पशु हो जाएगा वो आपका मांद से संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मांद से संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मांद से। ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, जो आपका चारा जो होती वो पशु से संबंधित है तो कलम स्याही से, हिंसक पशु मान से, कि फल जूस से, कि घास घोड़ा से। तो उसी प्रकार कौन किससे संबंधित, उसी प्रकार घास जो हो जाएगी वो घोड़ा के लिए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हकलाहट जो होती वो बोलना से संबंधित है तो बहरापन जो होता वो किससे संबंधित होता, बहरापन जो हो जाएगा वो आपके सुनना से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाली जो हो जाती वो कान में पहन दी जाती तो कलाई जो हो जाएगी, कलाई में क्या, झुमका, चैन, चूड़ी, रिबन, कौन सा पहना जाता है। तो आप जानते हैं कि उसी प्रकार कलाई में क्या, चूड़ी पहनी जाती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी जो हो जाएगी वो कागज से बनती तो इस्पात से क्या बनता, कील बनती, क्या बनती, कील बनती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आभूषण जो हो जाएगा वो सोना से संबंधित जबकि फर्नीचर जो हो जाएगा कौन संबंधित, लकड़ी, पेंट, मेज, ब्रश। तो आपके फर्नीचर से जो संबंधित हो जाएगी वो लकड़ी से बनती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव जो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होता है, इसी प्रकार इंजन
के लिए इंजन जो होता है वो किससे संबंधित है? पहिया से, कार्बोरेटर से, सिलेंडर से, पेट्रोल से हो जाएगा। तो इंजन के लिए आपका जो ईंधन होता है वो क्या होता है? तो आपका पेट्रोल जो होता है इंजन के लिए होता है, जबकि मानव के लिए जो ईंधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टेलीफोन जो हो जाएगा वो मोबाइल फोन से संबंधित हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो कंप्यूटर आपका लैपटॉप से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, इस क्लास में 97 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए 35 मिनट में आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।